फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेदर इतना अच्छा है, इतना अच्छा धूप है, तो मैंने सोचा कि धूप तो कभी कभी मिलते हैं तो थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ। और देखिए, आसमान इतना क्लियर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था गार्डन में बैठने के लिए। बैठा तो नहीं जा रहा था, ठंडी हवा दे रहे थे, बट हाँ वेदर बहुत ही अच्छा है। देखिए, छोटा छोटा पेड़ पौधा सब उगना शुरू हो गया, और अभी तो फरवरी स्टार्ट हो गया ना, तो अभी पेड़ पौधा सब खिलना शुरू हो जाएगा। और ये थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ अलग सा ही पौधा भैया ने लगाया है। और इधर देखिए, पुदीना भी उगना शुरू हो गया है। तो पूरा महीना तो पुदीना अच्छे से, ये है ना मैरीगोल्ड का प्लांट, छोटा छोटा आ गया है मैरीगोल्ड, जो हम लोग बंगाली में गेंदा फूल बोलते हैं। और ऊपर से प्लेन जा रहा था, मैं इसको कैप्चर कर लिया। तो आज का व्लॉग मैं एक अच्छे दिन से ही शुरू किया। अच्छे रहने के लिए ना मैं एक कैमरा का बैग और इस कैमरा का एक रील मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, बस जो इंस्टेंट फ़ोटो आ जाता है। तो ये मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है इंडिया में, रेनिका जो आंटी है, वो उसको गिफ्ट किया था इंडिया जब रेनी गई थी। तो उसका बैग उसको चाहिए था बोल के, मैं अभी घूमने जा रहे थे बोल के, कैमरा सेफ्टी रहेगा, तो इसीलिए मैं एक बैग उसको ऑर्डर कर दिया था। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैमरा एकदम सेफ्टी रहेगा। अभी इसको ना ये रील अंदर लगाएगी, फिर रेनी दिखाएगी कैसे कर सकती है। मतलब 10-10, 20 पीसेस है, तो एक ही लगा फर्स्ट का, एक ही घुसेगा अंदर। अच्छा, मुझे नहीं पता था। एक मेरा फोटो खींच के दिखा। मेरे आंखों में फ्लैश हो गया रे रेनी, ऐसे निकलेगा, ऐसे हवा देने का, फिर तुरंत ही तस्वीर दिखने का। नहीं, तुरंत नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा हवा आने का फिर दिखेगा। जोर से हवा दे रेनी, जोर लगा के है इसका। यहाँ छोड़ देते हैं। कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा थोड़ा, तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कौन आ रहा है? ओ देखो, मैं आ रही हूँ। ये देखो, मैं आ रही हूँ। मतलब 1 मिनट तक लगेगा टाइम, फिर आ जाएगा। दे, मैं जोर से हवा लेती हूँ। ये देखिए मेरा तस्वीर आ गया। और भी डार्क होगा, कलर आएगा और भी, बट मैं तुरंत ही कर लिया। और मैंने रेनी को बोला अभी और कुछ नहीं फोटो खींचना है, सीधा जाके घूमने के उधर खींचना है। हाँ रेनी, प्रॉमिस। जीनी आंटी को भेज देना। तो अभी मैं ना आज रेनी का ये कमरा थोड़ा सेटअप कर दिया, उसका बेड को मैं इस तरफ विंडो के सामने करके ऐसे सेटअप किया। और मैं ये जो वीडियो बना रही थी, मैं कैमरा ऑन करना भूल ही गई थी, तो मैं उसको दिखा नहीं पाया, तो ऐसे मैं अभी दिखा रही हूँ। प्रिंटर जैसा था वैसा ही मैंने रख दिया, उसका टेबल इस तरफ कर दिया, और टीवी जो है थोड़ा हमारा वॉल पे ऊपर ही रखा है, क्योंकि इस रूम में जो पहले मेरे आने से पहले जो रूम पे जो रेंट पे रहते थे, वो उसका 2 बच्चा था बोल के टीवी का जो स्टैंड है वो ऊपर ही रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने टीवी ऊपर से नीचे नहीं किया।
तो मैं अभी मेरा मेकअप ब्रश ये सब वॉश करके मैं सुखा लूँगी उसको। ऐसे ही मैं ना उसमें थोड़ा सा पाउडर वॉशिंग पाउडर दिया और मैं गर्म पानी डाल के उसको भिगो के 10 मिनट तक रखा था, फिर अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर उसके ऊपर अच्छे से पानी निचोड़ के मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैं उसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखा के मैं रख दूँगी, फिर धीरे धीरे हवा में वो सूख जाएगा, क्योंकि ये सब मेकअप ब्रश मुझे लेके जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सफाई कर लिया। अभी मेरा जो एक छोटा कैनवास में बना के रखी थी, एक किचन का जो अपोजिट वाला वॉल है उस पे रखा था, तो ये जो टेप है मैं जो अमेजोन से लिया था, ये टेप मैं वॉल पे चिपक कैनवास के ऊपर लगा के मैं चिपका दूँगी। ये भी मैं ड्रॉ किया था कभी, तो मुझे लगा कि इधर ये लगाने से इसका ये अच्छा लगेगा, तो मैं ये वॉल पे लगा दिया। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से दे दूँगी। पूजा पाठ सब हो गया, घर पर सफाई हो गया, थोड़ा मैं पैकिंग शुरू कर दिया घूमने जाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं बैग में रखूँ, ठंडी का मौसम है तो ठंडी का मौसम में थोड़ा चीज़ अब इकट्ठा रखेंगे तो भूल नहीं जाएंगे। तो रेनी का तो पैकिंग हो गया और मेरा थोड़ा चीज़ जिस दिन जाऊँगी उस दिन लेके जाऊँगी। और मैं ना मेरा वार्डरोब से मुझे ये मिला, ये मैं बना के रखी थी, तो मैंने सोचा देखिंग मैं जब फ्लावर जब गिरता है कितना अच्छा लगता है ना, देखता है एक डाल खाली इधर से आया है, पैर नहीं दिखेगा, खाली एक डाल ही आया था, बस ऐसे लग रहा है कि फ्लावर नीचे चढ़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ऐसे करके इधर लगाऊंगी। और एक पेंटिंग है जो लैवेंडर में बनाया, सेम ऐसे फ्रेम करके, ये कैनवास के ऊपर ही है, बट ये मैंने कैनवास जो पेपर होता है उसके ऊपर में बनाई थी और इसको मैं फ्रेम करके किया था। तो ये फ्रेम मैं तो विल्को से लिया था, बहुत ही सस्ते में मिल गया था मुझे ये विल्को से, मुझे 3 pound या 4 pound में मिला था, बहुत दिन पहले लिया था मैंने। तो ऐसे करके करके ना जब मैं कैनवास पेपर में आर्ट करती हूँ तो ऐसे मैं फ्रेम करके रखती हूँ। तो अभी मैं सोची कि इधर लगाऊंगी, एक दूध में उधर लगा दिया। और मेरा जो ये जो रेड मेरा जो टेबल क्लॉथ था है था मतलब है उसको मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैं फैब्रिक करूँगी, एकदम एक कलर का है ना, तो मैं सोचा कि थोड़ा फैब्रिक में करूँगी। और फैब्रिक में किस में करूँगी वो भी मैं दिखाती हूँ। ये जो मेरा कैंडल का ऊपर जो लीड था ना, देखिए इधर वर्क किया हुआ है, इससे मैं उसके ऊपर स्टैम्प कर करके मैं करूँगी, तो दिखाऊँगी। और मैं एक बॉटल धो के रखा, इसको थोड़ा और भी क्लीन करना है, इसके ऊपर मैं कुछ वर्क करूँगी। तो देखते रहिए, अभी मैं थोड़ा प्लांट में मैं थोड़ा पानी दे देती हूँ, क्योंकि घर में जब नहीं रहूँगी पौधा सूख जाएगा, तो मैं सोचा कि थोड़ा प्लांट में पानी दे ही देती हूँ। और इधर देखिए मेरा पैकिंग में ऑलमोस्ट इधर करके रखा, ये एक बैग लेके जाना है, इसके अंदर संदीप कुछ लेने वाला है, और इधर मैंने पूरा सब कुछ मैं रख दिया। और अभी मैं दोपहर के खाने के लिए ना एक सब्जी वाला दाल बनाया जिसमें पूरा वेजिटेबल्स है, आलू गोभी टमाटर जो भी था मेरे पास, मैं सब इसमें डाल के एक सब्जी दाल बना दिया। उसको अभी मैं लंच में खाऊंगी राइस के साथ, और एक रेडी के लिए ऑमलेट बना दूंगी। ये ऑमलेट जब मैं बना रही थी, इस ऑमलेट में खाली ऑनियन है, ग्रीन चिली है और थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, तो आप उसमें कैरेट टमाटर कोरिएंडर लीव्स और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। तो अभी लंच के लिए इतना चीज़ भी डालेंगे तो थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो इसीलिए सिंपल के ऊपर से ही हम दोनों खा लेंगे। तो ये डबल एग का है, तो ये रेनी को मोटा सा मैं बना के दे दूँगी। घर में दोनों रहते हैं ना तो सिंपल ही खा लेते हैं, जब संदीप रहता है तो थोड़ा अच्छा अच्छा खाना हम लोग खाते हैं, क्योंकि वो भी खाना पसंद करते हैं, बनाना भी वो पसंद करता है,
तो अभी यही बनाएंगे लंच के लिए, रात को देखेंगे। और ये अभी मैं बॉटल वर्क करूँगी, तो इसमें मैं डॉट मंडला आर्ट करूँगी। तो आप देखते रहिए मैं कैसे ये बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है ये, जो डॉट मंडला का जो स्टिक है, ये जो जिसमें मैं बना रही हूँ, ये मेरा टूल्स में हमेशा मेरे पास ही रहता है, क्योंकि ये मैं बहुत वर्क करती हूँ। हर वर्क में तो दिखा नहीं पाती हूँ, बट अभी से कोशिश करूँगी जो भी मैं बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाने के लिए। तो ये कोई पिक्चर देख के मैंने किया नहीं, पूरा ही मेरा दिमाग से ही मैंने किया है। और ये जो आर्ट है, हाँ थोड़ा टाइम लगता है करने के लिए, 2 घंटा मुझे लगा था। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, छोटा छोटा सब कलर का, जितना कलर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मिक्सिंग करके भी मैंने यूज़ किया, और मल्टी कलर टाइप का मैंने किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। देखिए अभी डिज़ाइन होने के बाद मैं छोटा छोटा जो चमकीला स्टोन होता है ना, स्टिकी वाला, वो मैं दी वर्क से लेती हूँ। और मैं छोटा छोटा करके थोड़ा बड़ा पीस थोड़ा छोटा पीस लगा दिया, और भी उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। उसके बाद बॉटल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर मैं बार्निश कर दूँगी, तो ग्लेज और भी बढ़ेगा, पानी वानी में कुछ नहीं होगा। अभी मैं धागा से ना इसका बॉटल के ऊपर जो खाली जगह है उसके ऊपर मैं लगा दूँगी, फिर उसके ऊपर मैं छोटा छोटा फिर स्टोन में उधर चिपका दूंगी ग्लू की मदद से। तो देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये बॉटल आर्ट आप लोगों को कैसा लगा। और भी वे अच्छा अच्छा बॉटल और भी DIY में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।